Hello everyone, welcoming you all on today's online session for Standard 12th Accountancy Chapter Number 2 Final Account of Partnership. Till now, we have solved up to question number 14. Coming to question number 15. Jitne bhi sums mein aap tak aapko homework mein diye hain, I hope so you have completed that all. Aur aapne mujhe homework on time send bhi aapne kar diya, even you are asking me the doubts. I hope so ki 14 tak ke jitne bhi sums aapne hain, aapne sare ke sare solve usko aapne kiye hain. Closing stock is rupees 10,000, out of which 50% has no market value. मतलब 50% की वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो लॉस है, तो स्टॉक की वैल्यू होगी मेरी 5,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 5,000 असेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 5,000 लीगल चार्जेस इंक्लूडेड ऑफ लीगल चार्जेस ऑफ बिल्डिंग परचेज रुपीज 4,000 लीगल चार्जेस के अंदर बिल्डिंग का लीगल चार्ज मैंने बुल साइड कर दिया है तो लीगल चार्जेस लिखता हूं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड गिवन 6500 माइनस बिल्डिंग जो बिल्डिंग में खर्च किया था वो ऐड कर दिया मैंने बुल से बिल्डिंग आपको लेके रखिए 46,000 बिल्डिंग ऑन एसेट्स 46,000 माइनस प्लस लीगल चार्जेस 4,000 इनर कॉलम में लिखता हूं 50,000 ठीक है. पॉइंट नंबर 35 दिया है प्रोवाइड करना है 5% बेटर रिजर्व वो बाद में करते हैं पहले बिल्डिंग और टॉपिक क्लियर कर लेते हैं. प्रोवाइड अप्लाई करना है मुझे 9% फर्नीचर पे और 5% बिल्डिंग पे तो लगे अप्लाई कर लेते हैं बिल्डिंग पे 5% is 2500, outer column 47,500, profit and loss debit side, to depreciation, building pe 2500, furniture आपको देखे रखा हुआ है 3000, ऊपर आपको depreciation और furniture भी दिया हुआ है, एक बार देख लो आराम से, so 3300 लिखेंगे, 3000 का furniture, balance में भी आपको debit देखे रखा है, उसको मैंने plus कर दिया, 3300 अब निकालता हूं डेप्रिसिएशन इसके ऊपर 10% दैट इज 330 आउटर कॉलम में 2970 सेकंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड फर्नीचर पे 330 टोटल 2830 बीडिया करने मुझे 5% डेटा सबको देखे रखा हुआ है रिसीवेबल्स 31,000 डेटा सबको देखे रखा हुआ है 31,000 इसमें से बैड डेट रिजर्व न्यू आपको माइनस करना है 5% 1550 रिमेनिंग अमाउंट 29450 सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट तो बैड डेट्स ओल्ड आपको दिया 1500 प्लस बीबीआर न्यू बैड डेट्स जो दिया नहीं है लिखूंगा नहीं माइनस BDR old आपको देखे रखा है 2000 आउट ऑफ कॉलर में 1050 then 1/3 share of weighted and weighted mark distributed off weighted and weighted mark आपको देखे रखा हुआ है 2700 paid and paid mark is one type of assets paid and paid mark 2700 minus 1/3 write off करना है 900 1/3 रिमेनिंग 800 बाहर राइट ऑफ के दूसरे इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड टू राइट ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क 900 अकाउंट ट्रांसफर कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ड्रॉ डाउन यहां पे क्रेडिट में दिया हुआ कैपिटल है डेबिट में दिया हुआ वो ड्राइंग्स है गुडविल एसेट्स पेड एंड ट्रेडमार्क ऑलरेडी हो चुका है
रिसीवेबल्स एंड पेबल्स मेटर्स हो चुका है, पेबल्स मेटर्स लायबिलिटीज भी लिख देंगे, अकाउंट्स और गुड्स मतलब परचेस एंड सेल आपको लेके रखा हुआ है, ओके परचेस लिख देंगे, ट्रेडिंग के डेबिट मेनन कॉलम में 40,000, सेल्स लिख देंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पर, ओके उसके बाद इनर भी लिखेंगे, मशीन्स एसेट्स में ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट साइड, फर्नीचर हो चुका है, गुड्स रिटर्न डेबिट में जो है वो सेल्स रिटर्न है, क्रेडिट में जो है वो मेरा परचेस रिटर्न है, ये लिखने के बाद में माइनस लिखे आपको आउटर कॉलम में लिखना है, नेट परचेस नेट सेल्स, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, डेबिट फर्नीचर कर चुके हैं, स्टेटमेंट प्रिंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, बिल्डिंग एसेट साइड कर चुके हैं, लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस में कर चुके हैं, कैश बैलेंस एसेट्स में रेलवे फाइड ट्रेडिंग के डेबिट साइड, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, बिल्स डेबिट वाला है बिल रिसीवेबल एसेट्स में, क्रेडिट वाला है बिल्स पेएबल लायबिलिटीज में, पोस्टल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, बैड डेट्स पीडीआर कर चुके हैं, डिस्काउंट डेबिट पे और डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्रेडिट पे और डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पर, स्टैंप ऑन हैंड एंड बैड डेट्स रिटर्न स्टैंप ऑन हैंड एसेट्स में, बैड डेट्स रिटर्न प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे, लास्ट में 12% एचडीएफसी लोन, डेट दिया 1/7/16, लोन दिया 10,000 का, तो लोन मिला वन टाइम का लास्ट डेट 12% एचडीएफसी लोन आपको दिया है 10,000, इस पे आपको इंटरेस्ट प्लस करना पड़ेगा 10,000 पे 12% दैट इज 1200, लोन दिया मैंने 1/7/16 को, तो 9 महीने का इंटरेस्ट 900 17 मतलब जुलाई से लेकर नेक्स्ट मार्च तक 9 मंथ्स का इंटरेस्ट 900 रुपए, दूसरे टाइम पास करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन आउटर कॉलम में 900 विद दिस कंप्लीटिंग टिल क्वेश्चन नंबर 15, ओके एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मैंने पास फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मंथ आपकी 60 तक अकाउंट और स्टेट्स के एग्जाम यहाँ पे हो सकती है जो बोर्ड यहाँ पे कंडक्ट करें, आई होप सो यू आर वेरी मच क्लियर चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, अभी से प्रिपेयर करना रेडी कर देना स्टार्ट कर देना अकाउंट एंड स्टैटिस्टिक्स का एटलीस्ट 2 चैप्टर्स, यूनिट टेस्ट माइट बी अनाउंस वेरी सून बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके तो प्लीज आप रेडी रहे अपने हिसाब से, बिकॉज दिस मार्क्स आर गोइंग टू बी सेंड टू द बोर्ड एग्जाम बोर्ड डिपार्टमेंट्स, ठीक है डीओ में सेंड यहाँ पे करना है, और पॉसिबिलिटीज आर दैट दिस टाइम यूनिट टेस्ट वेरियस मस्ट बी देयर, अगर ये कोरोना प्रॉपर वे से सही नहीं होता तो यू आर गोइंग टू गिव द बोर्ड एग्जामिनेशन माइंड वेल दैट, तो वी आर नॉट नोइंग वेदर द बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी अप 100 मार्क्स 50 मार्क्स और 75 मार्क्स, सो यूनिट टेस्ट विल प्ले अ मेजर रोल ओवर हियर, सो प्लीज आई हम्बली रिक्वेस्ट यू कि चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 ऑफ अकाउंटेंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है इतनी प्रैक्टिस यहाँ पे कीजिए कि आपके 25 फुल मार्क्स यहाँ पे आ जाए, बिकॉज हमें आपके पेपर्स वहां पे सेंड करने होते हैं, सो वी कैन नॉट मैनिपुलेट योर मार्क्स, ठीक है सो एंड वी डोंट वांट टू मैनिपुलेट आल्सो योर मार्क्स, जो है वो आपकी मेहनत है, फुल मार्क्स भी आपके हैं 5 मार्क्स भी आपके हैं, जो भी हो वो आपका है, तो यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, ओके सो कीप प्रैक्टिसिंग अकाउंट एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर 2 आवर्स ऑन डेली बेसिस, एज आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू आउट, ओके तो करे थोड़ा सा तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा, विद दिस आई एम अटैचिंग द वीडियो इटसेल्फ, दोनों साथ में कनेक्ट करके आप लास्ट तक देख सकते हो, देख के मैं लास्ट में आपके नंबर्स भी इवन यू आई हैव चेंज द फिगर्स ऑफ द सब्स वो भी आपको करना है, थैंक्स अगेन कंटिन्यू द वीडियो टिल द एंड, वॉच द वीडियो टिल द एंड, थैंक यू। सम नंबर 15, विद कंसिडरेशन ऑफ फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स ऑफ हर्षा एंड ईशा, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/17 ऑफ द फर्म, ट्रायल बैलेंस पार्टनरशिप फर्म इज गिवन टू यू हर्ष एंड ईशा, कैपिटल एंड ड्राइंग्स, गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, रिसीवेबल्स पेएबल्स, अकाउंट्स ऑफ गुड्स मीन्स परचेस एंड सेल, मशीन्स, ओपनिंग स्टॉक, फर्नीचर, गुड्स रिटर्न अकाउंट्स मीन्स परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, डेबिट वाली फिगर जो है वो तुम्हारी है सेल्स रिटर्न, क्रेडिट वाली फिगर जो है दैट इज योर परचेस रिटर्न, वेजेस, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, बिल्डिंग, लीगल चार्जेस, कैश बैलेंस, रेलवे फ्राइट, इंश्योरेंस प्रीमियम, बिल्स डेबिट वाला बिल रिसीवेबल, क्रेडिट वाला बिल्स पेएबल, पोस्टेज एक्सपेंस,
बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट रिजर्व, डिस्काउंट्स, डेबिट वाला डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट वाला डिस्काउंट रिसीव्ड, स्टैम्प्स ऑन हैंड, बैड डेब्ट्स रिटर्न स्टैम्प्स ऑन हैंड जो है वो डेबिट है और बैड डेब्ट्स रिटर्न जो है वो क्रेडिट है. HDFC 12% लोन 1716. ओके, कमिंग टू द एडजस्टमेंट नंबर वन. क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ ₹10,000, आउट ऑफ विच 50% हैज नो मार्केट वैल्यू. ओके, सो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 10,000. सो विल राइट डाउन क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय क्लोजिंग स्टॉक, आउट ऑफ कॉलम 10,000. सेकेंड इफेक्ट असेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक 10,000. सेकेंड लीगल चार्जेस इंक्लूडेड ऑफ लीगल चार्जेस ऑफ बिल्डिंग परचेज ₹4,000. लीगल चार्जेस के अंदर बिल्डिंग के लीगल चार्जेस अभी इंक्लूड कर दिए गए हैं. सो लीगल चार्जेस 6,500. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लीगल चार्जेस इनर कॉलम 6,500 माइनस लीगल चार्जेस ऑफ बिल्डिंग कितना दिया था 4,000, आउटर कॉलम 2,500. सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड राइट ऑन बिल्डिंग 46,000 प्लस लीगल चार्जेस 4,000, इनर कॉलम इटसेल्फ 50,000. लीगल चार्जेस में से मैंने माइनस कर दिया और बिल्डिंग के अंदर उसको मैंने प्लस कर दिया. नंबर थर्ड, प्रोवाइड 5% बैड डेब्ट रिजर्व ऑन डेटर्स. तो पहले अपने नंबर फोर्थ कर लेते हैं, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो वो इनर में ना रहे. नंबर फोर पहले सॉल्व कर लेते हैं. प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑफ फर्नीचर एंड 5% ऑफ बिल्डिंग. बिल्डिंग पे कंटिन्यू करो जो आपका इनर में दिख रहा है 50,000 एसेट्स में. माइनस डेप्रिसिएशन 5% 2,500, आउटर कॉलम 47,500. सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,500. देन एसेट्स में लिखे फर्नीचर, फर्नीचर इज गिवन 3,000 इनर कॉलम. माइनस डेप्रिसिएशन 300, आउटर कॉलम 2,700. डेप्रिसिएशन की दूसरी एंट्री पास करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, आउटर कॉलम 300. ओके, नाउ नंबर थर्ड एडजस्टमेंट अब सॉल्व करते हैं. प्रोवाइड 5% बैड डेब्ट रिजर्व ऑन डेटर्स. डेटर्स आपको दिया है, डेटर्स इज गिवन 31,000. ओके, सो राइट ऑन डेटर्स रिसीवेबल मतलब डेटर्स. एसेट साइड इनर कॉलम 31,000 माइनस बैड डेब्ट रिजर्व 31,000 का करो 5%, 1,550 आएगा आई होप सो. माइनस बैड डेब्ट रिजर्व 5% जो भी है वो अमाउंट माइनस के बाहर लिखे. सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बैड डेब्ट्स ओल्ड इनर कॉलम 1,500 प्लस बैड डेब्ट्स न्यू डैश प्लस BDR न्यू 1,550 जो भी आपका अमाउंट आया हो. माइनस BDR ओल्ड 2,000, ऑटो कॉलम में अगर 1,550 आया हो तो ऑटो कॉलम में शायद तक 1,050 आएगा. यू आर सॉल्विंग द सम्स, यू मस्ट बी नोइंग मैथ्स बेटर. नंबर फाइव, 1/3 सेट ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इज टू बी रिटर्न ऑफ. पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स आपको देखे रखा हुआ है 2,700. राइट डाउन ऑन एसेट साइड पेटेंट ट्रेडमार्क इनर कॉलम 2,700.
माइनस राइट ऑफ 900, वन थर्ड राइट ऑफ करना है, माइनस राइट ऑफ 900, आउटर कॉलम 1800, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू राइट ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, आउटर कॉलम 900. नेक्स्ट, ओके, एडजस्टमेंट्स आर ऑलरेडी ओवर. नाउ लेट अस ट्रांसफर द रिमेनिंग अकाउंट्स. कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. हर्ट्स में 35,000, ईसा में 15,000. ड्राइंग्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड ड्राइंग्स हर्ट्स 5,000, ईसा में 2,500. गुडविल ऑन एसेट साइड आउटर कॉलम 5,000. पेटेंट ट्रेडमार्क ऑलरेडी डन. रिसीवेबल्स डेटर्स हो चुका है. पेएबल्स मतलब क्रेडिटर्स लिख दो लायबिलिटीज में. अकाउंट्स ऑफ गुड्स परचेस ट्रेडिंग के डेबिट साइड इनर कॉलम 40,000. माइनस परचेस रिटर्न, गुड्स रिटर्न अकाउंट आपको दिख रहा है ना फर्नीचर के नीचे, माइनस परचेस रिटर्न 5,000, आउटर कॉलम 35,000. सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट इनर कॉलम 89,250, माइनस सेल्स रिटर्न, माइनस सेल्स रिटर्न 7,500. जो भी अमाउंट है बाहर लिख दो. उसके बाद मशीन्स एसेट साइड में ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट. फर्नीचर ऑलरेडी डन. गुड्स रिटर्न ऑलरेडी डन. वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट. फर्नीचर नहीं किया हो तो कर देंगे हम एसेट्स में. फर्नीचर का डेप्रिसिएशन तुमको नीचे दिया हुआ था. जो फर्नीचर दे के रखा है, ना, ओके, डेप्रिसिएशन वो एडजस्टमेंट में चेंज करो. फर्नीचर आपको दिया 3,000, नीचे भी आपको दिया हुआ डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर. ओके, तो आपको फर्नीचर में 3,000 प्लस 300 कर देना है, तो 3,300 हो जाएगा. उसके बाद उसका डेप्रिसिएशन निकालना है. ओके, उसके बाद उसका डेप्रिसिएशन निकालना है 5% या 10%, आपको जो भी देखे रखा हुआ है. 10% तो 330 आएगा. आउटर कॉलम में 2,970. डेप्री की दूसरी एंट्री प्रॉफिट लॉस में रेक्टिफाई कर लो. 330 आएगा. ओके, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. बिल्डिंग हो चुका है, लीगल 30 हो चुका है. कैश बैलेंस एसेट्स रेलवे फ्रेट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट. इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. बिल्स डेबिट वाला बिल रिसीवेबल. क्रेडिट वाला बिल्स पेएबल. Then postage expense profit and loss debit. Bad debt BD already कर चुके हैं. Discounts debit वाला जो है profit and loss debit, discount allowed 750. Credit वाला जो है profit and loss credit, discount received 1500. Stamps on hand assets 150. Bad debts return profit and loss credit 1,250.
12% HDFC लोन डेट दिया है, परसेंटेज दिया है, तो इसे हिडन एडजस्टमेंट। तो लिखो लायबिलिटीज में इनर कॉलम में 10,000, 12% HDFC लोन लायबिलिटीज इनर कॉलम 10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 10,000 पे करना है 12%, दैट इज 1,200 रुपये। 1,700 को लिया है तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 9 मंथ्स 1,200 पूरे साल का, तो 9 मंथ्स का 900 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 900। आउटर कॉलम में 10,900, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन लोन 900। यू ऑलरेडी नो हाउ टू क्लोज द अकाउंट्स, पहले ट्रेडिंग, देन प्रॉफिट एंड लॉस, देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो, देन पार्टनर्स कैपिटल एंड देन बैलेंस शीट। नाउ चेंज द फिगर्स ऑफ द एडजस्टमेंट्स। क्लोजिंग स्टॉक ₹20,000, आउट ऑफ विच 50% हैज नो मार्केट वैल्यू। सॉरी अगेन, जस्ट लिसन टू इट वंस अगेन, सी आई हैव नॉट रेड इट प्रॉपरली। इसका मतलब शायद ये होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹10,000, आउट ऑफ विच 50% हैज नो मार्केट वैल्यू, मतलब 50% इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपकी 5,000 आएगी। रेक्टिफाई कर लो, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपकी 5,000 आएगी, 50% की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, मतलब लेस हो गया इन शॉर्ट यू कैन से, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपकी 5,000 आएगी। ओके, नाउ चेंज द फिगर ऑफ द एडजस्टमेंट। नंबर वन, क्लोजिंग स्टॉक ₹20,000, आउट ऑफ विच 50% हैज नो मार्केट वैल्यू। नंबर टू, लीगल चार्जेस इंक्लूडेड ऑफ लीगल चार्जेस ऑफ बिल्डिंग परचेज ₹2,000। नंबर थ्री, प्रोवाइड 4% बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। नंबर फोर, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 15% ऑन फर्नीचर एंड 7% ऑन बिल्डिंग। नंबर फाइव, 1/3 शेयर ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इज टू बी रिटर्न ऑफ, जी जैसा उसको वैसे रहने दो। ओके, मैंने आपको रेक्टिफाई करवाया, जो मैंने ऊपर सम सॉल्व किया है मैंने उसको रेक्टिफाई करवा दिया कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपकी 5,000 आई है, जो एक्चुअल सम है उसमें, ठीक है। और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन तुमको नीचे दिया हुआ था, तो वो डेप्रिसिएशन आपको पहले प्लस कर देना है, उसके बाद आपको नया वाला डेप्रिसिएशन निकालना है। क्लियर विद दैट? ओके, सो आप पहले पूरे सम को गो थ्रू कर ही लेते होंगे, करने के बाद ही आप सॉल्व अप करना स्टार्ट करते हैं, सो ये मिस्टेक्स आपसे नहीं होगी, होप सो विद दैट, ठीक है। विद दिस आई एंडेड क्वेश्चन नंबर 15 अलॉन्ग विद एडजस्टमेंट्स चेंजेस आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू। ओके, स्टडी एट होम फॉर मिनिमम 2 आवर्स ऑफ अकाउंटेंसी, 2 आवर्स फॉर स्टैटिस्टिक्स, फॉर गेटिंग गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर द सपोर्ट एंड द कोऑपरेशन। थैंक यू वंस अगेन।